हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाली हूं और वो है कुछ खतरनाक, कुछ डेंजरस, बहुत ही जानलेवा टाइप के प्रेगनेंसी सिम्टम्स। ये ऐसे क्यों सिम्टम्स होते हैं, जानेंगे हम इस विषय में कि ये सिम्टम्स क्या है। फिर हम जानेंगे कि इस तरीके के प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्यों होते हैं और ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स में क्या करना चाहिए, महिला को क्या खतरा होता है। फिर जानेंगे कि इस ऐसे प्रेगनेंसी अगर आपको होती है तो उसके बाद आप कैसे गर्भधारण करें, क्या समाधान है, और बाद में जानेंगे बचाव के उपाय जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप सभी कर सकती हैं ताकि इस तरह की प्रेगनेंसी से आप बच सकें हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए जानते हैं कि वो चार पांच जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के साथ ही वो महसूस करती हैं थोड़ा चक्कर, थोड़ा हेडेक, कभी कभार बुखार भी हो सकता है, कभी हल्की वजाइनल ब्लीडिंग है। ये वजाइनल ब्लीडिंग हल्की से हैवी भी हो सकती है। इसके अलावा पेट के एक तरफ नाभि के नीचे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन तंत्र, उनमें किसी एक तरफ चुभने जैसा दर्द, पीरियोडिक, उठ रहा है रुक रहा है, ऐसे वेव्स की तरह, तरंगों की तरह दर्द आना, और ऐसा ही दर्द आपके शोल्डर्स की तरफ भी हो, पीठ में भी हो, कमर में भी हो, तो ये कुछ बहुत ही डेंजरस प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो कि होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में होती है, गर्भाशय में होती है, तो वो सही मानी जाती है क्योंकि 9 महीने उसका विकास वहीं होना है। बट अगर प्रेगनेंसी किसी कारण की वजह से फेलोपियन ट्यूब में, ट्यूब एक माध्यम होती है फर्टिलाइज्ड एग को गर्भाशय तक लाने का, ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर गर्भ ट्यूब में ही रह जाता है, वहीं इम्प्लांट हो जाता है, वहीं रुक जाता है, तो वो डेवलप होने लगता है, तो ये बहुत ही जानलेवा होता है और इसको टर्मिनेट ही कराना पड़ता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और एक नहीं कई बार हुआ है तो इसके कारण क्या है, आपको ये बार बार क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न, ट्यूब की हेल्थ। ट्यूब की हेल्थ कैसे? हमारी जो फिलोपियन ट्यूब होती है महिला के शरीर में, दाएं तरफ और बाएं तरफ फिलोपियन ट्यूब होती है, तो वो बीच में से बिल्कुल इस तरीके से होती है, हॉलो, खोखली होती है, ठीक है। उसमें रेशेदार जैसे हेयर्स होते हैं, नाक के अंदर होते हैं, इस तरह से बारीक उसमें सीलियास टाइप से होते हैं जो कि एग को मूव कराने में हेल्प करते हैं, आगे से आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। जब अंडाशय से एग निकलता है तो फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही आगे बढ़ता है और वहीं उसमें स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइज होता है, फिर वो आगे जाके यूट्रस में आरोपित होता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर ट्यूब की आकृति, शेप जो है ना, डिस्टॉर्टेड है कि एग मूव नहीं कर पा रहा है आगे, या फिर पानी भरा है, पस भरा है, सूजन है, आपकी PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई इंट्रायूटराइन आपने डिवाइस लगवाई है, उसकी वजह से कई बार जो ओवरवेट ओबेस महिलाएं होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है वजन की वजह से, या फिर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है और तब आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, रिपीटेड अबॉर्शन आपके हुए, बार बार 2-3 बार अबॉर्शन हो गया है, तो कुछ ये कारण बनते हैं कि इन कंडीशंस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है। अब क्या करें? दो कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है और ज़्यादा डैमेज होने की वजह से ट्यूब को हटाना पड़ता है, लेकिन दूसरी ट्यूब ठीक है तो आप दूसरी ट्यूब से कंसीव कर सकती हैं, लेकिन तब आपको बचाव करके चलना पड़ेगा ताकि आपको बार बार, यानी कि फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। तो बचाव के उपाय मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उन सहेलियों का क्या, बार बार हुआ और उनकी दोनों ट्यूब्स डैमेज हो गई, अब ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं बचा, ओवरी से, अंडाशय से यूट्रस तक या स्पर्म को एग तक ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं बना, तो ऐसे में गर्भधारण प्राकृतिक करना मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके जीवन में खुशी आ सकती है, आपको गर्भधारण हो सकता है, लेकिन कैसे? तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल टेक्निक्स की सहायता लेनी पड़ेगी जो कि है IVF। IVF का नाम आते ही हमें सबसे पहले ख्याल आता है बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्रयास। जी नहीं, आपका ये भ्रम अब दूर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन IVF सेंटर के बारे में बताने वाली हूँ और उसकी चार बड़ी खास बातें हैं। तो उन बातों की वजह से वो इंडिया का बेस्ट IVF सेंटर है आज के समय का। सबसे पहली बात कि IVF में कहते हैं सक्सेस रेट बहुत कम होती है। जी नहीं, आप अगर Krista IVF को ऑप्ट करते हैं, Krista IVF जाते हैं, तो 85% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट है। दूसरी चीज़,
पैसे की वजह से बहुत सारे लोग IVF नहीं करा पाते, चाहे उनको कितनी भी प्रॉब्लम झेलनी पड़े लेकिन उनके पास बजट नहीं होता। तो क्रिस्टा IVF के पास क्रेडिट फैसिलिटी है। किस तरह से? कि आपको 0% इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन आसान किश्तों में आप पैसा चुका सकते हैं और इस तरीके से आप आसान तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरी खास बात, US एंड UK बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है, अपनी अच्छी लैबोरेटरीज हैं जहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज हैं, तो एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। चौथी बात, इसका रीजनल कवरेज है, 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टीम है, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी बातें कारण है कि हमको क्रिस्टा IVF को ऑप्ट करना चाहिए अगर हम IVF कराना चाहते हैं। क्रिस्टा IVF पे अगर आप IVF कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुविधा है कि आप अगर एक डिस्काउंट कोड को यूज़ करते हैं जो कि है YT10, तो आपको अपने IVF ट्रीटमेंट पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इंक्वायरी का नंबर यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप वेबसाइट, इंस्टा हैंडल, फ़ोन करके सब तरीके से क्रिस्टा IVF से जानकारी लें और अपने जीवन में खुशियों की शुरुआत करें। और डेफिनेटली क्रिस्टा IVF के साथ आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या करें कि अगर हमारी एक ट्यूब बची हुई है, सेफ है, तो हमें वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो, बचाव के उपाय क्या हैं और इन तरीकों को फॉलो करके डेफिनेटली आपको हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे पहली चीज़, अपना वजन। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को नियंत्रित कीजिए। वजन कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं, वेट लॉस पे मेरे 2-3 वीडियोस हैं, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है कि आप वहाँ से जाके वेट लॉस के वीडियोस देखिए। पहले वेट लॉस कीजिए, फिर बेबी प्लान कीजिए। दूसरी चीज़, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्सरसाइज पे मेरा अलग से वीडियो कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सारी एक्सरसाइजेस आप देखें और उस तरीके से एक्सरसाइज करें। तीसरी और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज मैंने डेमो से समझाया है आप सभी के लिए, वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो उसे आप देखिए, सीखिए कि कैस्टर ऑयल को यूज़ करके हमको किस तरीके से फर्टिलिटी मसाज करना, जो कि बहुत धीमे जेंटल तरीके से किया जाता है। फर्टिलिटी मसाज से क्या होता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मसाज से हम सभी जानते हैं कि जिस अंग में, जिस जगह पे हम मसाज करते हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ ही वहाँ जितनी भी जड़ता है वो दूर हो जाती है और एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, जिसको ची बोलते हैं। तो उन अंगों में एनर्जी बढ़ती है, कहते हैं सोई भी प्रजनन शक्ति जागृत होती है। तो आप फर्टिलिटी मसाज बताए हुए दिनों में ज़रूर करें। आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगता है तो उसको आप टाइम से, बिना देर किए, समय रहते उसको ठीक कर लीजिए। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अजवाइन, मेथी, तेज पत्ते, इन चीज़ों का बहुत ही इफेक्टिव यूज़ मैंने अपने चैनल पर, अपने वीडियोज़ में शेयर किया है और उससे सैकड़ों महिलाओं ने उस तरीके को अपना के इन्फेक्शन को दूर करके सफल गर्भधारण भी किया है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी खतरा ना हो, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें और जो भी प्रिवेंटिव टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करें। और अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ठीक नहीं है तो अभी बताए गए तरीके से आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।